हे गाइस, आखिर क्रिप्टो मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे क्यों जा रहा है? कंटिन्यूअसली अभी तक मार्केट नीचे जाया जा रहा है, पर सिर्फ क्रिप्टो करेंसी से नहीं बल्कि शेयर मार्केट के भी हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। ठीक है, पर क्रिप्टो करेंसीज के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि प्राइसेस कंटिन्यूअसली नीचे जा रहे हैं? देखो तो इसके दो मेन रीजंस है अभी। ठीक है, पहला क्या है कि सबको पता था कि डिसेंट्रलाइज करेंसी है तो लोगों का ट्रस्ट कम था, पर अभी ट्रस्ट और भी कम हो चुका है। क्यों? टेरा लूना की वजह से। आपको पता ही होगा, मैं तो इसे मतलब स्कैम बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि पैसा गायब नहीं हो सकता यार, पैसा वैनिश नहीं हो सकता, किसी के पास से निकल के पैसा किसी के पास गया ही होगा। ओके, तो ऐसी करेंसी जो टॉप 10 करेंसीज में आती थी जिसका प्राइस कुछ ही हफ्तों में जीरो हो जाता है, डीलिस्ट हो जाती है करेंसी, विश्वास कहां से बचेगा? तो ट्रस्ट की वजह से काफी लोगों ने अपना पैसा निकाला है। ओके, किसी और करेंसी में लगा के रखते उस पैसे को भी निकाला है, काफी बड़े इन्वेस्टर्स ने भी अपना पैसा निकाला है, जिसकी वजह से मार्केट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। ओके, पहला रीजन मुझे ये लगता है। दूसरा रीजन पता है क्या है कि इकोनॉमी के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहा है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर जो अभी पार्टिसिपेट कर ही नहीं पा रहे इन्वेस्टमेंट। ठीक है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों का खर्च जो है ना वो ही पूरा नहीं हो पा रहा है अपने जो कमा रहे हैं उससे। तो लोग, आम आदमी बचाएगा कहाँ से और लगाए इन्वेस्ट कहाँ से करेगा? देश की जनता खून के आंसू रो रही है। जिन मुद्दों और वादों पर चुनाव लड़ा उनमें बड़ा मुद्दा महंगाई था। मोदी जी ने नारा दिया था, बीजेपी ने नारा दिया था, अब और नहीं महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, जिसकी वजह से भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना, कुछ ऐसे ही फैक्ट्स लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। एंड आपको क्या लगता है इस टॉपिक पे, क्या कि प्राइसेस क्यों नीचे जा रहे हैं, कमेंट जरूर करना।